हाय डियर व्यूअर्स, वेलकम है आपका एक बार फिर हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। हमारे लाइव सेशन जो पिछली वीडियो गुजरी है, हमें रोकना पड़ा। कुछ ऐसे गेस्ट आ गए जिनकी वजह से हमें वो लाइव स्टॉप करनी पड़ी। तो हमारी बात चल रही थी इस लाइव सेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ इमेजिनेशन के ऊपर। तो जो लोग हमारी पिछली मतलब इसकी डिटेल जानना चाहें, जो हमारी गुफ्तगू हुई है, तो इसका पार्ट वन जो है इसी हाउ टू रिलैक्स हिंदी पेज के ऊपर मौजूद है। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं अगर देखना चाहें। तो हमारी बात जब लाइव एंड हुई तो इस पे चल रही थी कि हज़रत ईसा मसीह जीसस के दौर के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि किस तरह से नेगेटिविटी पूरी तरह से लोगों को घेर चुकी थी उस दौर के अंदर, और कैसे लोग माबद के कहनों से बेजार आ चुके थे उस वक्त के, और उस वक्त की जो हुकूमत थी रोमन, उनसे भी बेजार आ चुके थे क्योंकि तरह तरह के टैक्सेस लग चुके थे और माशरा पैसा कमाने लालच के अंदर फंस चुका था, और बगैर मतलब के कोई किसी के लिए एफर्ट करने को तैयार ही नहीं था। वो जो अट्रैक्शन थी लोगों की, वो लालच की तरफ थी, दौलत की तरफ थी, और उनकी इमेजिनेशंस में सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा, लालच भर गया था, जिसकी वजह से वो पूरा माशरा जहनी और जिस्मानी बीमारियों से भर चुका था। तो अल्लाह ताला ने, गॉड ने, क्रिएटर ने, ईश्वर ने, क्योंकि मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि मेरे लिए इंसानियत अहम है, और ये जो चैनल है ये एक एफर्ट है इंसानियत को यूनाइट करने की, और उनको अनरिलैक्स हैं रिलैक्सेशन पहुँचाना मेरा मकसद है, उनकी जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का हल हमारा मकसद है। तो इसलिए मैं हर एक की बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने अपने बरगुजीदा बंदे जो इनलाइटेंड थे, जो उन्होंने ख़ास इनलाइटमेंट पाई अपने रब से, उनको यरूशलम की तरफ भेजा। देखें, नेगेटिविटी की पावर इस हद तक बढ़ चुकी थी उस दौर के अंदर, और बैड इमेजिनेशंस ने अपना घेराव उस कौम के ऊपर ऐसा कर लिया था कि उस कौम ने हजरत ईसा से पहले एक पैगंबर, मैसेंजर, प्रॉफिट हजरत यहया गुजरे, उनके कत्ल में भी पूरी कौम शामिल हो। नबी, पैगंबर, वली, ये इंसानों में से नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए अल्लाह इन्हें मखसूस कर लेता है कि पैगाम लेके जाओ मेरा मेरे बंदों की तरफ, उन्हें याद दिलाओ कि तुम्हारे क्रिएटर ने तुम्हें क्यों बनाया है,
तुम्हारा इस दुनिया में आने का मकसद तुम्हारे अमाल को अल्लाह ने जज करना है। ये एक कमरा इम्तिहान है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, और उससे वो आजमाता है लोगों को कि अब मैंने इसे फ्री हैंड दिया है तो मेरा बंदा इस वक्त क्या करेगा। तो एक पैगंबर को इस ये कौम शहीद करवा चुकी थी, और उसकी वजह से, क्योंकि कोई भी नेक इंसान उस रब का प्यारा जब अल्लाह की तरफ से आपके पास भेजा जाता है और कौम कोई भी उसकी कदर अगर नहीं करती तो अल्लाह उस कौम को मुख्तलिफ अजाबों में मुब्तला कर देता है जो उसे झेलने होते हैं। तो खास मौजज़े अदा किए अल्लाह की ज़ात ने हजरत ईसा को, और वो इमेजिनेशन की पावर दी कि जब वो अपने रब के हुक्म से इमेजिन करते थे कि कोड़ी का कोड़ ख़त्म हो गया है तो वो हो जाता था। वो अपनी पावरफुल इमेजिनेशन के ज़रिए देखते थे कि नाबीना को मेरा रब आँखें अता कर रहा है, उसकी आँखों में रोशनी दे रहा है तो रोशनी मिलती थी। हम यही चाहते हैं कि आपको पॉजिटिव इमेजिनेशंस की तरफ और सही चीज़ों की अट्रैक्शन की तरफ आपको लेके जाया जाए। जब हम किसी भी मज़हब के अंदर इबादत का कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसका मकसद अपने रब की इमेजिनेशन है, अपने रब की तरफ अट्रैक्ट होना है। उसकी उन नवाजिशात का जो उसने हमें दी उसका शुक्र अदा करना है। देखें जी, हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि इस वक्त कितने जानवर हैं, कोई तीतर है, कोई मोर है, कोई बटेर है, कोई गीदड़ है, कोई शेर है, कोई कुत्ता है, मछली है। उसने हमें इंसान बनाया, ये उसकी शुक्रगुजारी नहीं है? आज आपके और मेरे हाथ सलामत हैं, मेरी जबान है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आंखें हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे कान हैं, मैं सुन रहा हूँ, मेरे पैर हैं, मैं चल रहा हूँ। पूछिए इसकी कदर अगर पूछनी है उससे कि जिसके पास इनमें से कोई एक चीज़ भी ना हो। क्या अपने रब की अट्रैक्शन के लिए इतना काफ़ी नहीं है? क्या कामिल तसव्वुर आपकी पावर ऑफ इमेजिनेशन से अपने रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते? कामिल तसव्वुर बांधिए कि ऐ मेरे रब, मैं तेरी तरफ अपने ध्यान को पलटाता हूँ, क्योंकि बेशक तू मुझे ये सब कुछ, इसमें से कुछ भी ना देता तो मैं तेरा क्या कर सकता था। तो इसलिए हमने मिसालें दी आपको दुनिया के डॉक्टर्स की, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, इलाज कर रहे हैं जैन मज़हब के अंदर, संत मुख्तलिफ जो हैं वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपने तसव्वुरात को कामिल करने की। तो अपनी
इमेजिनेशन जो है, देखें नेगेटिव पावर्स भी होती हैं, और जो लोग नेगेटिव पावर्स को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो जादू की तरफ चल पड़े हैं, ब्लैक मैजिक की तरफ चल पड़े, और इसके अलावा शैतान की तरफ चल पड़े, नेगेटिव पावर्स की तरफ चल पड़े। तो होता क्या है कि उनको कामयाबी तो मिलती है, क्योंकि जब रहमान है तो शैतान भी है, लेकिन उन पावर से वो वक्ती खुशी हासिल करता है लेकिन सुकून हासिल नहीं कर सकता। आप देख ले, वो सब कुछ वक्ती होता है, लेकिन वो वक्ती हासिल करने के लिए कीमत क्या अदा करता है? बेसुकूनी, मुतमईन नहीं होते आप, करोड़ों अरबों आपके पास आ जाए, अगर पॉजिटिव एनर्जी की तरफ अपने आप को बढ़ाएंगे, पॉजिटिव अट्रैक्शन की तरफ खुद को आप करेंगे, पॉजिटिव इमेजिनेशंस की तरफ अपने आप को आप लेके जाएंगे, तो इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला ये सब कुछ। लेकिन जो मिलेगा वो पूरी तरह कामिल होगा, वो कभी जाने वाला नहीं है, वो हमेशा आपके अंदर रहने वाला है। और जब आप पूरी तरह तसव्वुरात में कामिल हो जाएंगे, तो वो जो हमने होलिस्टिक हीलिंग की वीडियो दी है, अगर किसी ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, और व्हाट इज रैकी और रैकी हीलिंग के बारे में वो सब कुछ दिया गया है, तो वो सब कुछ इमेजिनेशन के ऊपर ये सारा इल्म काम करता है आपका। आप शौक रखते हैं लेकिन कीमत अदा करनी करती है कुछ भी करने के लिए, वो कीमत अदा करनी पड़ती है। खातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के अंदर आपका सिक्का चलता है, और विलायत के अंदर उन्हीं के जरिए अता होती है। कीमत कितनी बड़ी अदा की, ताइफ के लोगों से पत्थर खाए, अपने ही इलाके से हिजरत करके दूसरी जगह जाना पड़ा, कितने अपने प्यारों को खोया इस राह में, इसी तरह अगर आप अर्जुन और पांडव की जो महाभारत की जंगें देख लें, तो अर्जुन के लिए आसान नहीं था अपने सगे संबंधियों के साथ लड़ना, तो कितनी बड़ी कीमत अदा की उन्होंने पावर्स के पॉजिटिव। अगर सिद्धार्थ को देख लें, बुधा को देख लें, वो कामिल इमेजिनेशन तक पहुंचने के लिए और वो कामिल तसव्वुर को कामिल करने के लिए, रब को जानने के लिए जो कीमत अदा की, वो भी आप देखिए कि बीवी बच्चे छोड़े, जंगलों का सफर किया, और फिर दौलत छोड़ी, कीमत अदा की, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हुआ और उन्हें वो सब कुछ मिला, इमेजिनेशन में जो चाहते थे वो उन्हें मिल गए। तो कोशिश यही कीजिए, इमेजिनेशन की पावर्स को समझिए, और पॉजिटिव इमेजिनेशन, पॉजिटिव अट्रैक्शन की तरफ जाइए। वक्त ज़रूर लगेगा, टाइम ज़रूर मिलेगा लगेगा, लेकिन वो जो आपको वहाँ से प्राप्त होगा वही असल पावर होगी आपकी। तो थैंक यू जी, आज की लाइव का वक्त इख्तिताम हुआ। चाहता था कि चलें लाइव के अंदर कुछ लोग आ जाएं, लेकिन जो नहीं आ सके वो पिछली डाउनलोड वीडियो
वीडियो उसको देख लीजिएगा। इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये लास्ट पार्ट है और उससे पहले एक पार्ट था। तो इसी तरह हम लोग आपके साथ आते रहेंगे। आप प्लीज़ जो नए हैं उस हमारे हाउ टू रिलैक्स हिंदी में वो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आप समझते हैं ये काम किए हैं तो आगे शेयर कीजिए। थैंक यू जी, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ। सी यू।